जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया है। सोपोर पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी और आतंकी हो सकते हैं और सेना की आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम पर सोपोर के वाटरगाम इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में सेना ने कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से पुलिस के साथ मिलकर सेना आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। सोमवार को आतंकवादियों ने डुडू के चील इलाके में संयुक्त गश्ती दल पर गोलीबारी की थी, जिसमें सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहां होने वाले चुनाव में कोई खलल न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की है। जम्मू कश्मीर में अभी तक लगभग अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों की तैनाती की जा चुकी है और लगातार वहां पर पुलिस और साथ ही साथ वहां पर लगातार पुलिस और सेना की गश्त बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सभी हरकतों का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार यानी कि 22 अगस्त 2024 की शाम को नियंत्रण रेखा LOC पर पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। अजहर नाम के इस घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा पर चाकन दाबाग के पास से पकड़ा गया था। हाल के कुछ महीनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है, विशेष रूप से पीर पंजाल के दक्षिणी इलाकों में जहां घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां हैं। ऐसे क्षेत्रों में आतंकवादियों को छिपने में मदद मिलती है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार कर रही है, ताकि आतंकवादियों को, जो आम नागरिकों, सैन्य कर्मियों और शिविरों को निशाना बनाते हैं, उनसे मुकाबला किया जा सके। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और शेष आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रफियाबाद में मुठभेड़ उस घटना के 10 दिन बाद हुई है, जब 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक सेना अधिकारी शहीद हो गए थे। उस मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। शहीद हुए अधिकारी कैप्टन दीपक सिंह सेना की सिग्नल्स कोर से संबंधित थे और 48 राष्ट्रीय राइफल्स RR के साथ प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने उस अभियान के दौरान वीर गति प्राप्त की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।